हमारी फोटो आ रखी, बट उस टाइम पे मैं पीछे लेके था, पहले मैं और राहुल थे यहाँ पे, ये हाथी है उसके बाद दोनों बाइक मैंने आगे भेजा। ये हंस क्यों नहीं रहा, ये आदमी इसे कहीं देखा मैंने यार, इसको लाल, इसको इस लाल कुर्ते वाले को, यही तो नहीं हो। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, एंड आई होप आप स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ कपड़े धोने के लिए, तो कई दिन से कपड़े धोए नहीं, वो शादी के बाद धोए थे, उसके बाद धोए नहीं थे, सारे ढेर लगा के रखे हैं। सो जल्दी से वॉश करता हूँ। और इससे वाला पहले जो ब्लॉग था आपने देखा होगा, मुंडन का, वैभव का मुंडन था। सो अगर मुझे अभी टाइम मिलेगा दिन में तो मैं जाऊँगा, नहीं तो ऑफिस तो जाना ही है। सो अगर वहाँ से टाइम मिलता तो दिन में वाला ब्लॉग भी शूट करूँगा, दिन वाला। सभी पहले चलता हूँ जल्दी से कपड़े वगैरह धो लेता हूँ। तो ये रही यहाँ पे मेरे सारे कपड़े, ये और मशीन में भी मैंने सर्फ वगैरह डाल दिया। जल्दी से सारे कपड़े मैं डाल देता हूँ मशीन के अंदर, और तब तक वॉश हो जाएंगे तो ब्रश वगैरह मुंह हाथ धो लेता हूँ, जूते भी वॉश करने के लिए, जूते भी वॉश कर लेते तब तक जल्दी से। सो सीधा मिलते हैं कपड़े वॉश के बाद। सो अभी सारे कपड़े जो है वॉश कर लिए और सारे यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए, और सुबह मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है। और चार या पाँच को, हाँ चार पाँच को शादी भी है मुकेश भाई के ऊपर ही, जस्ट हमारे परिवार के हैं। और अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए जल्दी से। मैंने आज बनाया पत्ते गोभी और आलू, तो जल्दी से खाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। तो ये रही अपनी रोटी सब्जी यहाँ पे, सो खाता हूँ जल्दी से। अपना नाश्ता वगैरह भी हो गया, सो अब चलते हैं ऑफिस जल्दी से। और शायद ना आज मेरे को ऋषिकेश भी जाना होगा, ये दीपा की जो ज्वेलरी थी लहंगे के साथ वाली, सो भी देना वापस, तो काफ़ी टाइम से यहीं पड़ा हुआ है। सो वो देना, अगर टाइम मिलेगा तो जाना तो पड़ेगा देने के लिए। और मेरा एक जैकेट भी वो चेंज करने के लिए, वो भी चेंज करवाना है। और बाइक का, बाइक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करी तो बाइक को भी सही करवा लूँगा अगर टाइम मिलेगा आज तो, नहीं तो मुश्किल जाना होगा। सो चलते हैं जल्दी से ऑफिस। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस, सो थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज गया, धूप आ गया आज। सो कोई नहीं, हो जाता कभी कभी, बट आज थोड़ा सा काम था, कपड़े वगैरह वॉश करने थे तो उस वजह से लेट हो गया। सो देखते हैं काम है या नहीं आज। सो अभी काम तो कुछ है नहीं, सो जैसे कैसे चल लेते हैं। तो शायद राम सिंह चाचा भी जा रहे हैं नीचे, तो मैं घर चलता हूँ, फिर उनको भी साथ में लेके जैसे केस छोड़ दूंगा, फिर अपना काम को निपटा के फिर मैं वापस आ जाऊँगा। सो चलो सीधा चलते हैं ऋषिकेश। तो अभी मैं पहुँच गया ऋषिकेश, तो काम वगैरह तो था नहीं, फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ 1 से 1.5 घंटे में। तो बाइक जो स्टार्ट नहीं हो रही थी उसको जो मैंने चेंज करा था क्लच, उसका जो लीवर है वो छोटा है, तो वो दूसरा वाला डाल रहा है उस पर क्लच, तो उससे पहला वाला लंबा रहा होगा उसका हैंडल, तो वो चेंज करे उससे दिक्कत आ रही थी, तो अभी चेंज हो रहा है। सो उसके बाद मेरे को बैंक में भी जाना है, और ज्वेलरी जो थी मैंने चाचा के पास दे दी, चाचा भी मेरे साथ आए, और चाचा फिर कल या परसों जो भी है वो दे देंगे वहीं पे, शायद दीप और आएंगे ऋषिकेश तो उनसे ले लेंगे। अभी ये करता हूँ, फिर बैंक भी जाना है और जैकेट भी चेंज करवानी है मेरे को जल्दी से। बहुत ज़्यादा कोहरा लगा था, तो पहले बाइक फिर जैकेट चेक करवाई, चेंज करवाई, फिर बैंक गया, फिर बैंक के बाद वापस। तो टाइम देखो 1:30 बज रहा है अभी, और मेरे साथ ना मेरे को फिर तपन में चाचा मिल गए, गजय चाचा और मेरे साथ, और फिर मैं उनको वहाँ से लेके आया, और चाची चाचा आ रहे थे दूसरे चाचा, तो उनके साथ आ गए फिर, तो दोनों बाइक में वो ऊपर आ गए। और अभी चलते लंच करने के लिए, इसी केस में तो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा पड़ा है। सो चलते पहले लंच वगैरह कर लेते हैं। सो लंच वगैरह भी हो गया मस्त करके, सो चलते अभी ऑफिस में, बहुत तेज हवा चल रही है, सो अब जाके थोड़ा सा हल्का सा धूप दिख रहा है, यहाँ अभी कोहरा पहुँच गया भाई। जब मेरे से जा रहा था ना उस समय तो तपोवन के पास से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एकदम मस्त धूप थी उस टाइम पर, जैसे मैं ऊपर आया तो यहाँ भी कोहरा लगा पड़ा है,
बट इतना ज़्यादा नहीं जैसे ऋषिकेश में, तो भयंकर कुछ नहीं दिखाई दे रहा एक 1.5 किलोमीटर के बाद। तो आपने देखा होगा मार्केट में कई जगह पे मैं सूट नहीं कर पाया, तो सूट क्या होता है कि खुद काम भी रहता है और सूट भी नहीं हो पाता फिर मेरे से, तो थोड़ा सा वहीं पे सूट कर पाया जब मैं बाइक सही करवा रहा था। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो भी चेंज करवाए मैंने, उसके बाद बैंक गया और सीधा वापस आ गया था। तो बस यही था। और अभी टाइम 4:43, 5 बजने वाले, सब तो चले गए ऑर्डर करने भी आए हैं बैठ के। सो चलता मैं अभी 10-15 मिनट और वेट कर लेता हूँ, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मॉर्निंग के लिए, तो थोड़ा 5 बजे तक बैठे रहते और फिर चलते सीधा घर। और आज घर पे साथ कैमरा वाले भी आए, कैमरा वाले की मेरे बुआ के लड़की के ही हस्बैंड है, तो वही हमने करवा रखे थे कैमरा लिए इस बार, तो शायद फोटोज़ वगैरह लेके आए हैं कुछ जो बड़ी फ्रेम वाली फ़ोटोज़ हैं, तो पापा बता रहे थे उस पर क्यों आएंगे आज, तो चलते हैं देखते कौन सी फ़ोटोज़ लेके आए, वो आपको दिखाऊंगा मैं अभी वीडियो में रख के। सो चलते हैं। और पहले बाइक में क्या दिक्कत आ रही थी, क्या था इसको ये क्लच दबा के ना स्टार्ट नहीं हो रहा था, गियर में स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ रहा था फिर स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि एक दिन गिरा था इसका, ये टूट गया था ये क्लच का, ये टूट गया था, तो उस वजह से शायद आज मैंने जो चेंज करवाया इसका ये छोटा पड़ गया, मैंने फिर बोला कि उसकी वजह से दिक्कत आ रही, तो फिर ये चेंज ही करा उन्होंने पूरा, तो हो गया था 200 में काम। सो चलते अभी घर, 5 बज गए लगभग, सो हवा भी चल रही काफ़ी और चारों तरफ कोहरा लगा पड़ा भाई पहाड़ों पे। अभी मैं पहुंच गया घर, और घर पहुंचने के बाद मेरे को टास्क मिला लकड़ियां फाड़ने के लिए, तो लकड़ियां फाड़ रहे, मम्मी इधर सफाई कर रही थी, पापा जी भी लगे इधर, और ऊपर छत में नीलम दीदी, सो जल्दी से और लकड़ियां फाड़ लेते, मेरे कान लाल हो गए एकदम, पसीने में आ गए थोड़ा बहुत, सो जल्दी से और लकड़ियां फाड़ता हूँ। सारी लकड़ियाँ मैंने फाड़ ली और अभी सब अंदर रख रहे ताई जी वहाँ पे, मम्मी जी यहाँ पे, और कुछ ही देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा और फिर आपको दिखाता हूँ मैं जो फोटोज़ आई हैं वो दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। सो एल्बम पूरी आ चुकी है, पसीना निकल गया लकड़ी फाड़ के हैं। सो अभी हम देख रहे हैं एल्बम, सो राहुल यहाँ पे पलट पलट के अपनी फोटोज चेक कर रहा है मेरी कितनी फोटोज आई वाले। सो ये हमारी गैंग यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे देखो पप चाचा को देखो, पप चाचा छोड़े चाचा चाचा देख कैसे खींच रहे हमको। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 एक ही पेज 5 बार आ गए, और यहाँ पे सब बराती का स्वागत के लिए खड़े थे, यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद मालाएं वगैरह डाल रहे, फिर फोटो सेक्शन स्टार्ट, और राहुल पेज पलटते हुए यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी देख रहे हैं अपनी फोटो ही देखो, अपनी फोटो है नहीं तो जल्दी जल्दी देखो है। ये रही हमारी फोटो भाई, ये थी हमारी गैंग, हमारी फोटो आ रखी, बट उस टाइम पे मैं पीछे ले गया था, पहले मैं और राहुल थे यहाँ पे, ये हाथी है, उसके बाद दोनों बाइक मैंने आगे भेजा, ये हंस क्यों नहीं रहा ये आदमी, इसको कहीं देखा है मैंने यार, इसको इस लाल कुर्ते वाले को, यही तो नहीं हो। सारे फोटोज वगैरह हमने देख लिए, बहुत अच्छी फोटोज निकाली हैं, एल्बम सारा एल्बम हमने देख लिया मैंने राहुल ने जल्दी जल्दी से, और 2 बड़ी फोटो बनाए वो मैंने भी दिखाई नहीं आपको, एक फैमिली की फोटो, एक दीपक के हस्बैंड की, सो सही एल्बम्स निकाला है, सब देखते उसके बाद जो वीडियो है वो कैसे बनाई है, क्या वीडियो अभी शायद बनी नहीं, शायद वीडियो अभी तो 6-7 दिन तो है शादी को, तो ये एल्बम जो है बहुत जल्दी निकाला उन्होंने, बट सही बनाया एल्बम, और वीडियो भी कुछ दिनों बाद निकाल देंगे, क्योंकि मैंने सबका जो नाम का लिस्ट था वो दे दिया था परसों, सो आ जाएगा कुछ दिन बाद। और जो सुबह कपड़े धोए थे वो रखता हूँ अपने बेड में, बेड के अंदर जल्दी से, और रोटियां बनाएंगे नीलम दीदी, और सब्जी तो कुछ है बोल के, सब्जी तो है और कुछ मैगी बनाते हैं, बस वही खाएंगे आज। आहा, सो कई दिनों बाद लकड़ियां फाड़े आज, अब जैकेट पहन लेता हूँ, उस समय गर्मी लग रही थी जब लकड़ियां फाड़ रहा था,
अभी खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, रोटियां नीरम दीदी ने बनाई और मैगी भी बनाई, उसके बाद सब्जी वगैरह गर्म की। और अपना जोगिंदर भी आ चुका, अपना लैपटॉप लेके बैठे थे यहीं पे खाना खाएगा बैठ के, देखो लैपटॉप सामने, मैगी इसके यहाँ पे, हमने सब्जी दाल, उधर भी मैगी, और उसमें हमने अरबी रखी कल सुबह के लिए, तो अरबी घुट घुट के बनाएंगे कल सुबह। मम्मी को ऊपर ही दे दिया, आज भी दांत दर्द हो रहा है, बट जिस दिन दर्द नहीं होगा उस दिन मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और वो दांत निकाल देंगे, दांत उखाड़ देंगे हम एक ही दिन में। आओ ना पहले हाथ ऊपर कर, कानून के हाथ लंबी होते तो आदर से कर, निकाल दे वहां से। अपना चल रहा है यहाँ पे खाना, सपना मैगी कहीं जहाँ मैगी मैगी उठा लिया पक्का अंग्रेज बोल दी। इसमें दाल चावल, ये राहुल की कोक रोटी जैसी खा रही है पे, दाल रोटी और अपना मैगी और घी। तो खाना वगैरह भी हो गया, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिया दीदी ने, अभी यहाँ पे स्वीट खा रहे हम, कौन ले क्या को पता नहीं बट खा रहे हम। और आज पहली बार ना हम 8:15 एक महीने में 8:15 फ्री हुए इतनी जल्दी आज पहली बार। और अपना जोगिंदर बैठा है इधर, काम इसको अगर काम बताओ तो बोलेगा नहीं मेरा काम है, यहाँ मोबाइल पर लगा रहता है बस। सो सब यहाँ पे बैठे थे अभी एल्बम देखने के लिए, नीलम दीदी देखा कंट बढ़िया, तीन चार बार दिखाएगा थक गई। सभी टाइम हो रहा है 9:30, पूरा 1.5 घंटा हो गया हम बैठे हुए यहाँ पे, हमने आज 8 बजे खाने खा लिए थे। एंड सो गाइस, अब है सोने की तैयारी डेली की तरह, आजकल मैं और राहुल इसी बेड पे सोते हैं और दीदी और पार चले गए, मम्मी पापा बाहर, और चलो सोते। आज वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, सो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज ना सर दर्द भी हो रहा है, सो चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय उत्तराखंड, बाय बाय।